कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत 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 स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ सामान लेके आना है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं मार्केट, और ये देखिए कितनी सारी गायें बैठी है। ये है देखो कोमल, ये नहीं वो पता नहीं, देखो वाली भी दिख रही है। ये प्लास्टिक हुआ ना सर? ये प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक ही है। राहुल ये देखना कि शू के लिए सर, इतना बड़ा तो नहीं है, वो भी छोटा सा ही है। देखना पड़ेगा, देख ही लेंगे। ये प्राइस है 170 रुपये, 150 की पड़ेगी। एसपी कितना है? एसपी से लिखा नहीं है, यूवी प्रोटेक्शन में नहीं है, एसपी वाली है। हाँ तो गाइस हम आ गए थे घर पे, 1-1.5 घंटे के समथिंग ही आ गए थे हम। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था क्योंकि अभी बेबी छोटा है ना, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अभी 3 मंथ का हुआ है वो, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं छोड़ पाती हूँ उसको। तो मैं 1-1.5 घंटे के समथिंग ही आ गई थी, और मैं जो कुछ लाई थी वो मैं आपको बताती हूँ। लेने तो कुछ और गई थी बट मेरे समझ में नहीं आया, इस वजह से मैं छोटा मोटा कुछ ऐसे ही सामान लेके आई हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ, तो देखिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो गाइस से ही मैं ये लेके आई थी लोटस सर्वर्स का वाइट ग्लो क्रीम, क्योंकि सर्दियों में ये ठीक रहती है। सर्दी गर्मी ये तो वैसे हमेशा चलती है, लेकिन मैं ये लॉरियल यूज में लेती हूँ, बट लॉरियल सर्दियों में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती, इस वजह से मैं ये लेके आई थी लोटस। और ये देखिए इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइस है ये देखिए। और दूसरा मैं ये लेके आई थी विटामिन सी का फेस वॉश, जो कि मामा अर्थ का है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और आपको पता है विटामिन सी तो स्किन के लिए कितनी अच्छी रहती है। तो मैं ये मामा अर्थ का लेके आई थी, और एक मामा अर्थ का मैं आई काजल लेके आई थी, जो कि ये मैंने फर्स्ट बार लिया था, इस वजह से ये इससे बड़ा था जो 450 का था, बट मैं उसको नहीं लेके आई क्योंकि मैं फर्स्ट बार यूज में ले रही हूँ, इस वजह से मैंने छोटा लिया है 350 वाला। और ये देखिए किशु कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, इतनी मस्ती कर रहा है जो। और फिर एक और लेके आई थी मैं, ये स्लीपर लेके आई थी, ये मम्मा ने मंगवाई थी, क्योंकि मम्मा को ज़्यादा मोटी पसंद नहीं है, इस वजह से रूम में पहनने के लिए उन्होंने ये वाली मंगवाई थी, तो मैं उनके लिए ये लेके आई थी। और मैं स्लीपर लेने के लिए गई थी एक्चुअली मार्केट, बट मेरे को कोई भी पसंद नहीं आई, इस वजह से मैं एक भी नहीं लेके आई, कुछ भी नहीं लेके आई, मैं स्लीपर लेके ही नहीं आई क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आई। तो फिर मैं तो ऑनलाइन मंगवाऊंगी, क्योंकि मेरे को मार्केट में बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इस वजह से मैंने काफ़ी शॉपों पे देखा भी था बट एक भी पसंद नहीं आया। तो बस इतना ही लेके आई थी, और एक कैप लेके आई थी, जो तो आप ही देख लीजिए, देखो किशु ने यूज में ले रखी है। चलो किशु बैठे हो, दिखाओ किशु दिखाओ, कैसी है आपकी कैप, कैसी है? हाँ तो ये देखिए किशु की कैप, ये वाली अभी थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है, मैं अभी दिखाती हूँ आप। ये देखिए ये वाली कैप लेके आई थी मैं इसके लिए, और ये बहुत प्यारा लग रहा है इसमें। और देखिए बस इसको मस्ती करने का काम, ये दिन पूरे दिन सोता है और रात को बिल्कुल नहीं सोता है, अभी देखिए कैसे मस्ती कर रहा है। हाय किशु, हाय बोलो किशु, किशु हाय बोलो। ठीक है गाइस, इसी के साथ मेरा ब्लॉग पूरा करती हूँ, और अभी इसका सोने का कोई विचार नहीं है, तो फिलहाल मेरे को जगना पड़ेगा अभी, तो मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। ओके बाय 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 करो, बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय बाय।